सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। ऑनलाइन क्लास क्लास 12 राजनीति विज्ञान में आज हमारा वैसे राजनीति विज्ञान का आज 15वां वीडियो है। 14 वीडियो जारी हो चुके, पर आज हम जो अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान में वो चैप्टर 5 का करेंगे। कौन से करेंगे? चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। 5वां जो चैप्टर है उत्तर सेतु युद्ध का काल में उत्तर काल में दक्षिणी एशिया उत्तर सिंधु काल में दक्षिण एशिया या दक्षिण एशिया कह लो इसको, दक्षिण एशिया। कौन सा चैप्टर है? पांचवा चैप्टर दक्षिण एशिया के बारे में आज हमने पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है? पांचवा चैप्टर। ठीक है ना? विश्व राजनीति में दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। पहले मैं पाठ का सार बता रहा हूं तुमको, इस पाठ के बारे में क्या क्या हम पढ़ेंगे। विश्व राजनीति में दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व की जो राजनीति है उसमें दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका है दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है विश्व राजनीति। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं उनको नाम बता दो मैं। दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव। दक्षिण एशिया में भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और बांग्लादेश शामिल है। और बांग्लादेश शामिल है। ठीक है ना? मैं महत्वपूर्ण वो पॉइंट लिखा रहा हूँ इस पार्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ये पड़ोसी देश हैं। उसी प्रकार दक्षिण भारत में जो शामिल होने वाले देश हैं, दक्षिण भारत में कौन कौन से देश शामिल हैं उनमें भारत दक्षिण भारत में शामिल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है और बांग्लादेश, ये दक्षिण एशिया में शामिल है। और दक्षिण एशिया विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है ना? एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट दक्षिण
दक्षिण एशिया के सात देशों दक्षिण एशिया के सात देशों ने क्षेत्र में देशों ने क्षेत्र में दक्षिण एशिया के सात देशों ने क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए 1985 में साल की स्थापना की। आर्थिक विकास के लिए 1985 में सार्क की स्थापना की। इसकी स्थापना की दक्षिण एशिया के सात देशों ने क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए 1985 में इसकी स्थापना की सार्क की स्थापना की। महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 3 अपन ने नोट किया। इसके बाद महत्वपूर्ण नंबर 4 सार के सार के चौदहवें सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का आठवां सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट बिंदु मैंने लिखाया कि सार्क के चौदहवें सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का बनाया गया आठवां सदस्य देश बनाया गया। अगला पॉइंट पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सैनिक सत्ता हमेशा हावी रही। अगला पॉइंट है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सैनिक सत्ता हमेशा हावी रही है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सदैव सैनिक तानाशाही हावी रही है। सैनिक तानाशाही हमेशा हावी रही है यानी सैनिक ही सबसे सर्वोच्च है वहाँ, और सैनिकों की तानाशाही होती है। तानाशाही की किसी की बात नहीं मानना और अपने फैसलों को अंजाम तक पहुँचाना सैनिक तानाशाही रही है वहाँ। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र का मतलब है जहाँ जनता के लिए जो शासन किया जाता है वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम मैसलो ने परिभाषा दी थी, अब्राहम लिंकन हुए थे उन्होंने परिभाषा दी थी कि जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र में जनता का शासन है, और जब जनता का शासन नहीं होगा
सैनिकों का शासन और वो भी तानाशाही हो, जनता की बातों को नहीं माना जाए, तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सैनिक तानाशाही हमेशा क्या रही है, हावी रही है, हमेशा क्या रही है, हावी रही है। वहीं नेपाल की बात करें, नेपाल, हम नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल में राजशाही ने लोकतंत्र को पूरी तरह सफल नहीं होने दिया। नेपाल में राजशाही ने लोकतंत्र को पूरी तरह सफल नहीं होने दिया। हम बात कर रहे हैं किसकी, दक्षिण एशियाई देशों की, किसकी बात कर रहे हैं, दक्षिण एशियाई देशों की बात कर रहे हैं, उसमें हमने दूसरा देश लिया पाकिस्तान की बात कि नेपाल की जो राजशाही, जो राजतंत्र, राजा की व्यवस्था थी, राजतंत्र जो अंचल का शासन होता है वो राजतंत्र कहलाता था, तो राजशाही ने लोकतंत्र को पूरी तरह सफल नहीं होने दिया। कहाँ, नेपाल में लोकतंत्र जनता का शासन हो तो जनता के शासन को सफल नहीं, इसने वो नहीं किया, राजशाही ने नहीं होने दिया, इसने नहीं होने दिया, राजशाही ने पूरी तरह सफल नहीं होने दिया। इसके बाद अगर अगला देश की हम बात करें कि दक्षिण एशियाई देशों में हमने भारत की बात की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, भूटान, नेपाल, मालदीव की, तो हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी ये स्थिति है कि श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण समस्या जातीय संघर्ष रहा। श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण समस्या जातीय श्रीलंका की सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है वो जातीय संघर्ष रहा है। क्या रहा है? जातीय संघर्ष रहा। क्लियर। अगर दक्षिण एशिया के अगले देश की बात करें तो इसमें श्रीलंका कौन सा देश है? श्रीलंका देश। श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण समस्या रही है जातीय संघर्ष। क्या रही है? जातीय संघर्ष रही है। अब जातीय संघर्ष की बात करूं मैं, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, वैसे तटीय देश है, कैसे तटीय देश है, भारत की सीमा से लग नहीं रहा है क्योंकि बीच में राम सेतु, समुद्र, हिंद महासागर में स्थित देश है। श्रीलंका की बात करें तो वहां दो प्रकार की जातीय संघर्ष हमेशा रहा है, एक तो तमिल और दूसरा सिंहल, दो समुदाय श्रीलंका की राजनीति में है, एक तो तमिल समुदाय रहा है और दूसरा रहा है सिंहली समुदाय। जो श्रीलंका के मूल नागरिक थे वो तो थे सिंहली समुदाय के, और जो तमिलनाडु, हमारा जो भारत का तमिलनाडु था, क्योंकि तमिलनाडु के बाद में तटीय सीमा और उसके बाद श्रीलंका है, तो तमिलनाडु के नागरिक थे, तमिल मूल निवासी तमिलनाडु के, वो श्रीलंका में जाके रहने लगे और उनकी जो जनसंख्या थी तमिलों की, उसके और सिंहली समुदाय के बीच हमेशा जातीय संघर्ष बना रहा है। मैं बात करूँ जातीय संघर्ष की तो तमिल और सिंहलों के बीच जातीय संघर्ष रहा। तमिल जो तमिलनाडु के मूल निवासी थे, भारत के रहने वाले थे, वो तमिल समुदाय बनाया। सिंहली जो श्रीलंका के मूल निवासी थे, काफी समय से तमिल मारे जाते, सिक्के मारे जाते, जनसंख्या धीरे धीरे ग्रोथ करती गई, बढ़ती गई। राजनीति में दोनों के बीच जातीय संघर्ष होने लगा। 1987 में की बात करें तो 1987 के अंदर देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय राजीव गांधी ने इस समस्या के सोल्यूशन के लिए श्रीलंका सरकार ने पत्र लिखा कि आप सैनिक मुहैया करवाओ। जब सैनिक मुहैया राजीव गांधी ने करवाया, तब इन समझौते के लिए इस मामले को सुलझाया जाए, तमिल और सिंहली के बीच जो जातीय संघर्ष है उसको, तो इन्होंने भारत वालों ने यहाँ से सैनिक सत्ता उपलब्ध करवाई। उसका परिणाम ये उतना पड़ा कि हमको हमारा प्रधानमंत्री होना पड़ा।
जब राजीव गांधी जी ने सैनिक सत्ता उपलब्ध कराई 1987 में इस समझौते के लिए, तो तमिल नाराज हो गए, और तमिल नाराज हो गए तो राजीव गांधी जी तमिलनाडु गए चुनावी सभा को संबोधित करने। परमपदू तो वहां तमिलनाडु में राजीव गांधी की बम से उड़ाकर हत्या कर दी गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तमिल समुदाय बाद में जो श्रीलंका का सैनिक संगठन था, आतंकवादी संगठन था लिट्टे, श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था लिट्टे, लिट्टे ने कबूल कर लिया था कि हमने किसकी राजीव गांधी की हत्या की है। तो कुल मिलाकर तमिल होगा था, तमिल नाराज हो गए थे इसको लेकर। तमिलनाडु में जो तमिल गए थे वो वहाँ के मूल निवासी तमिलनाडु के रहने वाले थे, पर जाके बस गए श्रीलंका में, तमिल समुदाय कराया। और श्रीलंका का वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ के जन्मदाता थे, वो शहरी समुदाय कराए। शहरी और तमिल के बीच जातीय संघर्ष था। तो श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण समस्या रही थी जातीय संघर्ष। क्या रही थी? जातीय संघर्ष। दक्षिणी एशिया देशों में श्रीलंका वही। भारत की बात करें, मैं भारत में रहने लगूं, भारत में सदैव, भारत में सदैव लोकतांत्रिक, भारत में सदैव लोकतांत्रिक, भारत में सदैव लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, भारत में सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं, भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं ने उच्च ढंग से कार्य किया है। भारत में सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं ने उच्च ढंग से कार्य किया है। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की स्थापना बहुत समय पूर्व हो चुकी थी। भारत में अंग्रेजों के काल में हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना कर ली थी। बाद में 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, तुरंत हमने संविधान की स्थापना करके, संविधान की गठन करके और तुरंत देश का संचालन कर दिया था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे बहुत पहले स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेजों के शासनकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। 1935 के अधिनियम के आधार पर संविधान का निर्माण, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण और जनता के आधार पर संविधान का निर्माण करके और लोकतांत्रिक संस्थाओं को उचित ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य कर रखा है। ठीक है ना? तो हम भारत सदैव लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं संस्थाओं, भारत में सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं उच्च ढंग से कार्य किया है। संस्थाओं ने उच्च ढंग से कार्य किया है। आगे बात करें, हम चल रहे थे विश्व राजनीति में दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण स्थान से, विश्व राजनीति में दक्षिण एशिया बात कर रहे हैं। उत्तर शीतयुद्ध काल में दक्षिण एशिया पार्ट चैप्टर है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना हूँ कि हम इस पर अध्ययन करने जा रहे हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज है इस पार्ट में। पार्ट का साल कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि ऑफलाइन में हम किताबें पढ़ा देते हैं, ऑनलाइन में क्लास चल रही है, उनमें आपको किताब की अध्ययन स्वयं करना पड़ रहा है, इसलिए विशेष ध्यान देने बिंदुओं पर बात हुई है। उन्हीं बिंदुओं के माध्यम से आप किताब का अध्ययन कर सकते हो। आर्थिक वैश्वीकरण का बिंदु है, आर्थिक वैश्वीकरण का अगला बिंदु है दक्षिण एशिया पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दक्षिण एशिया पर सकारात्मक
और नकारात्मक प्रभाव आर्थिक वैश्वीकरण का दक्षिण एशिया पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना, आर्थिक वैश्वीकरण का दक्षिणी एशिया पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगला पॉइंट सार्क देशों में राजनीति सार्क देशों में राजनीतिक उथल-पुथल उथल-पुथल एवं भारत पाक के बीच हुए युद्धों ने एवं भारत पाक के बीच हुए युद्धों ने भारत पाक के बीच हुए युद्धों ने सार्क के देशों में राजनीतिक उथल पुथल एवं भारत पाक के बीच हुए युद्धों ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाई। युद्धों ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाई। ठीक है ना, महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखा है तुम्हारे सामने। मैंने क्या लिखा है कि सार्क देशों में, अब सार्क के जो देश थे हमने पीछे लिखा, सार्क देशों में भारत था, पाकिस्तान था, नेपाल था, भूटान था, श्रीलंका था, मालदीव था। तो सारे देशों में राजनीतिक उथल पुथल रही है, उतार चढ़ाव आ रहा है राजनीति में। तो सारे देशों में राजनीतिक उथल पुथल एवं भारत पाक के बीच हुए युद्धों, भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, वैसे बात करें भारत पाकिस्तान में युद्ध 1965 में हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच बात करें युद्ध में तो 1971 में भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। बांग्लादेश को लेकर जो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस समय। उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर विवाद आया भारत और पाकिस्तान के बीच, तो फिर 1999 में कारगिल में युद्ध कश्मीर में लड़ा गया, कारगिल युद्ध 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय लड़ा गया। तो कुल मिला के सार्क देशों में राजनीतिक उथल पुथल रही। सार्क के देशों में 8 सदस्य देश हो गए थे सार्क के, मैंने पीछे लिखा है आपको, एवं भारत पाक के बीच हुए युद्धों ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाई। इस क्षेत्र में दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास में भी बाधा पहुंचाई और भारत भी इसमें शामिल था, इसलिए भारत में भी ये बाधाएं बरकरार बनी रही। अगला पॉइंट मैं लिखाता हूं, क्षेत्र में आर्थिक विकास से, क्षेत्र में आर्थिक विकास, क्षेत्र में आर्थिक विकास से सभी देशों को, क्षेत्र में आर्थिक विकास से सभी देशों को, क्षेत्र में आर्थिक विकास से
सभी देशों को अपने मतभेद बुलाकर परस्पर सहयोग से कार्य करना होगा। अपने मतभेद बुलाकर क्षेत्र में आर्थिक विकास से सभी देशों को अपने मतभेद बुलाकर आपसी सहयोग से कार्य करना होगा। मैं अगर पढ़ लिखा क्षेत्र में आर्थिक विकास से सभी देशों को अपने मतभेद बुलाकर आर्थिक सहयोग से कार्य करना होगा। महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखा है, इस बात के सार के बारे में लिखा है, एक हिस्सा निकाल देता हूँ। दक्षिण एशिया के विश्व में आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आठ का नाम है प्रश्न, दक्षिण एशिया प्रश्न नंबर दो, दक्षिण एशिया के विश्व में आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया के विश्व में आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, आपका नाम भी है उत्तर क्षेत्र के कार्य में दक्षिण एशिया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं दक्षिण एशिया के विश्व में आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया के विश्व में आप क्या दक्षिण एशिया के विषय में आप क्या जानते हैं? दक्षिण एशिया के विषय में आप क्या जानते हैं? दक्षिण एशिया के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर लिखो। दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है।
दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व बंगाल में खाड़ी स्थित है, पश्चिम में अरब सागर व पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान श्रीलंका नेपाल भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान श्रीलंका मालदीव को शामिल किया गया है। मालदीव को शामिल किया गया है। ठीक है ना, इस क्षेत्र में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका मालदीव को शामिल किया गया है। पर अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी प्राय दक्षिणी एशिया में मान लिया गया है। एक लाइन में लिख देता हूं मैं, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी प्राय दक्षिण एशिया का हिस्सा मान लिया गया है। ठीक है ना, पूरा देखो प्रश्न लिखा है, मैंने लास्ट प्रश्न लिखा है तुमको, साल के बाद में स्टार्ट प्रश्न कर रहे हैं कि हम क्या चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने बताया दक्षिण एशिया के विषय में आप क्या जानते हैं कि जो पार्ट का नाम था दक्षिण एशिया, क्या नाम था दक्षिण एशिया, पार्ट का नाम ही था, तो पार्ट के नाम पर मैंने पहले प्रश्न आपको बताया कि दक्षिण एशिया के विषय में आप क्या जानते हैं। तो दक्षिण एशिया के विषय में उत्तर मैंने लिखा है दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण एशिया जो एशिया महाद्वीप है इसके एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, इसके उत्तर में क्या है हिमालय पर्वत है, इसके उत्तर में वही दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है।
पश्चिम में अरब सागर है, पश्चिम में क्या है अरब सागर है, वह पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, कौन सी खाड़ी स्थित है बंगाल की खाड़ी स्थित है, इस क्षेत्र में यानी दक्षिण एशिया क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका मालदीव को शामिल किया गया है, ठीक है ना। अफगानिस्तान और म्यांमार को भी प्राय दक्षिण